नामनी शक्ति वही आवर शिक्षा भले पास्य महारल ले बका पास्य हाँ जी, तो क्या हालचाल है आप सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने चहेते YouTube चैनल जिसका नाम है सरदार दी जर्नी। इस सरदार दी जर्नी इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप तक तथागत बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचार प्रसार और प्रचार करने का कार्य करते, और साथ ही में इसी चैनल से हम आप तक प्राचीन बौद्ध गुफाए, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्मारक इनकी भी जानकारी साझा करते। आज की जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई वो ठाणे रेलवे स्टेशन से। अभी ठाणे से हम जा रहे जो कि कल 1 जनवरी 2023 है, साल का पहला दिन है, और इसी दिन 1 जनवरी 1818 में जो अपना मान, अपना स्वाभिमान स्थापित करने की, जो रिटर्न लेने की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई को जीतने के बाद जो ब्रिटिशों ने जो पेरने फाटा के नजदीक पुना स्थित 30 किलोमीटर कोरेगांव भीमा इस जगह पर जो विजय स्तंभ स्थापित किया था, उसी विजय स्तंभ को हम अभिवादन करने के लिए जा रहे। कल 1 जनवरी 2023 है और 205वां शौर्य दिन है। ये LTT चेन्नई एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन से हम पुणे स्टेशन जा रहे हैं। आप भी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज ये जो ट्रेन से पुणे तक की जो ट्रेन की जर्नी थी वो अभी हम पुणे में उतरे, लगभग 10:35 हुए। अब यहाँ से हमने एक कोरेगांव भीमा, यहाँ का जो विजय स्तंभ है वहाँ पे जाने के लिए का ऑटो यहाँ पे हमने हायर किया है। अब वो ऑटो वाले भाई भी आएंगे थोड़े समय में और फिर आगे की जर्नी भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। एंड तक आप बने रहिए। साथियों, रात के 12:10 हुए और जिस 500 महायोद्धाओं को और 205वां शौर्य दिन से अभिवादन करने के लिए आए हम, जिस जगह पे विजय स्तंभ स्थापित किया हुआ है हम अभिवादन करने, इसकी अभी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम अभी स्तंभ से बस 5 मिनट की दूरी पर है, आप भी देखिए। साथियों, अभी हम बहुत नजदीक आए, आप देख सकते हो सामने हमें विजय स्तंभ दिख रहे हैं। यहाँ पे आवाज बहुत है, पब्लिक भी बहुत है, आप देख सकते हो। रात के 12:15 हुए, आगे जाके मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा। और साथियों, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा जो कि 205वां शौर्य दिन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो विजय स्तंभ है, उसे हमने अभिवादन कर दिया है और लोगों की भीड़ आपने यहाँ पे देखी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पीछे के भीम अनुयायी इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने आए हैं। 1 बज रहा है, हमें जो रात की 12 बजे की जो मान वंदना रहती है, जो इस विजय
को दी जाती है वो तो हमें देखने को नहीं मिली। आपने अगर हम इस विजय स्तंभ को अगर नजदीक से देखे तो उसे हम देख सकते हैं, सबसे ऊपर में उसे तिरंगा जो भारत का अपना तिरंगा झंडा है उसके कलर से बनाया हुआ है, बीच में अपना एक अशोक चक्र भी दिया हुआ है और उसके नीचे विलेज में हम देख सकते 205वां शौर्य दिन ऐसा लिखा हुआ है और जो महार रेजिमेंट का जो यहाँ पे हम देख सकते हैं चिन्ह दिया है जो कि उसके ऊपर लिखा है जो ब्रीद वाक्य महार रेजिमेंट का यश सिद्धि। साथियों फिर से एक बार जो 1 जनवरी 1818 में जो युद्ध हुआ था और ये उस युद्ध के दौरान 500 महारों ने जो ब्रिटिश सेना की मदद की थी और जो पेशवा थे जो इनकी 28,000 सेना थी उनको इस युद्ध में हराया था और महारों ने ब्रिटिशों की तरफ से जो लड़ाई लड़ी थी वो इनकी आन बान शान की लड़ाई थी, उनके हक और न्याय की लड़ाई थी, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई थी और उन्होंने वो जीती थी। ब्रिटिशों के सेना की तरफ से इन 500 महारों ने ब्रिटिश सेना को विजय प्राप्त करके दिया था इस युद्ध में और इसी खातिर इस विजय स्तंभ को ब्रिटिश सेना ने यहाँ पे स्थापन किया। इस युद्ध में लगभग जो 500 सैनिक थे उनमें से लगभग 20 सैनिकों का मृत्यु हुआ था, 5 ब्रिटिश सेना अधिकारी घायल हुए थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटेन से रिटर्न भारत में आए थे तभी उन्होंने वहाँ पे किताब में इस लड़ाई के बारे में पढ़ा था और इस विजय स्तंभ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए थे। साथियों फिर से एक बार इस 205वें शौर्य दिन को मानवंदना देते, इस विजय स्तंभ को मानवंदना देते, 500 शूरवीरों को मानवंदना देते और साथियों इसी तरह से एक नए साल की शुरुआत हमने हमारे जो 500 योद्धा थे और एक जो विजय स्तंभ है इसे अभिवादन करके हमने इस नए साल की शुरुआत की और आप सभी को इस 205वें शौर्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सरदार जी जर्नी चैनल के माध्यम से आप तक इस 205वें शौर्य दिन की पूरी जानकारी दी है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे जो 500 शूरवीर महार योद्धा थे उनको हम फिर से एक बार मान वंदना देते हैं। तब साथियों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे नए जानकारी के साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोन्यान भरली मोठी माझ्या विमान।